hello students students welcome in your math class students in previous video we learn what are shapes and we learn that shapes are of two types one is plane shapes and another is solid shapes plane shapes are plane shapes are square rectangle triangle circle and oval okay so plane shapes means प्लेन शेप्स आर मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ साइड्स ज्वाइंट विद ईच अदर एट कॉर्नर्स मीन्स जो प्लेन शेप्स होती हैं हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट्स ये देखिए प्लेन शेप्स जो होती हैं ये ये साइड्स सेट ऑफ साइड्स होते हैं मतलब इनके अलग अलग साइड्स होती हैं और ये आपस में इन कॉर्नर्स में मिलती हैं ठीक है ज्वाइन ईच अदर एट कॉर्नर्स इन कॉर्नर्स में ये आपस में ये साइड्स आपस में मिलती हैं ठीक है तो स्क्वायर हमने पढ़ा था स्क्वायर के स्क्वायर का हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स ठीक है वन टू थ्री फोर फोर साइड्स एंड वन टू थ्री फोर फोर कॉर्नर्स आर देयर देन रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्ट एंगल फोर साइड्स ओके एंड फोर कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर बट अपोजिट साइड विल बी इक्वल ठीक है sides, okay? one, two, three, equal, इसके जो है फोर साइड आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल ओनली अपोजिट साइड विल बी इक्वल ठीक है मतलब जैसे स्क्वायर में चारों तरफ से ये इक्वल है हर साइड से इक्वल uh, है इसकी साइड लेकिन रेक्टेंगल की जो uh, चार साइड है वो आपस में आमने सामने ऊपर नीचे तो इक्वल होंगी लेकिन पूरी एक साथ इक्वल नहीं होंगी ओके देन ट्राइंगल नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल सो हैव थ्री एंगल हैंगल हैज Three sides, one, two, three, and three corners, one, two, three. Okay, but the um, three sides may be or may not be. इक्वल मतलब कभी ये इक्वल हो सकती हैं लेकिन कभी ये तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती ठीक है सर्कल सर्कल हैव नो साइड्स नो कॉर्नर्स इट इज राउंड इन शेप सर्कल का जो है वो कोई साइड नहीं होती है कोई कॉर्नर नहीं होता है और ये शेप में बिल्कुल राउंड होता है एंड ओवल सेम ओवल हैव नो साइड हैज नो साइड्स नो कॉर्नर्स ओके एंड इट इज शेप इट्स शेप लाइक एन एग और इसकी शेप क्या होती है एग, एग की तरह होती है ठीक है स्टूडेंट सो दीज आर योर प्लेन शेप्स नाउ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉलिड शेप्स वॉट आर सॉलिड शेप्स सो लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल अपने घर और अपने स्कूल uh, के आसपास देखिए ठीक है चारों तरफ देखिए यू विल सी थिंग्स इन द शेप इन द शेप्स एज गिवन बिलो मतलब आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिनकी शेप्स जो है वो इन शेप्स के अकॉर्डिंग होंगी देखिए यहाँ पर आपको शेप दिखाई दे रही हैं इन शेप्स के तरह होंगी यू कैन सी एंड फील देम आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें फील भी कर सकते हैं सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड्स दीज आर कॉल्ड सॉलिड्स मतलब इन्हें हम सॉलिड शेप्स कहते हैं सॉलिड मीन्स ठोस ठीक है देन सॉलिड हैव हाइट एलोंग विथ लेंथ एंड वेथ मीन्स जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनकी हाइट होती है मतलब उनकी ऊंचाई होती है अलोंग विथ किसके साथ लेंथ लंबाई और चौड़ाई के साथ ठीक है मतलब लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है और उनकी हाइट भी होती है मतलब वो ऊंची होती है जो प्लेन शेप्स होती है वो बिल्कुल पतली सी होती हैं उनकी हाइट नहीं होती है ठीक है जैसे कल मैंने आपको ट्राई दिखाया था स्टूडेंट्स यस्टे आई शो यू दिस ट्राइंगल है ना इसमें देखिए आप इसको ये बिल्कुल प्लेन है मतलब पतला सा है बिल्कुल इसकी इसमें मोटाई नहीं है बिल्कुल भी, ना ही हाइट है ठीक है तो ये इस तरह से पतली होती है और जैसे मैंने आपको ये दिखाया था इसमें भी देखिए ये बिल्कुल पतला सा है ठीक है इसका कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी ठीक है तो इस तरह से जो है ये प्लेन शेप्स होती हैं लेकिन जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनकी न, क्या होती है हाइट भी होती है ऊंचाई होती है मतलब वो थोड़ी उभरी उठी हुई होती है और उनकी लेंथ लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है उभरी भी मतलब आप देख सकते हैं ये कैसे बॉक्स सा ब्लॉक सा बना हुआ है बिल्कुल है ना और ये रेक्टेंगल टाइप में ब्लॉक बना हुआ है ये सिलेंडर शेप है ये क्यूब है ये आपका क्यूबॉइट है दिस शेप इज कॉल्ड सिलेंडर दिस इज सफेयर

और चौड़ाई भी हो गई इसे बोलते हैं सॉलिड शेप देखिए इसे हम पकड़ेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगी कि इसकी चौड़ाई भी है और इसकी हाइट है लेंथ है चारों तरफ से जो है वो एक सी शेप है इसकी ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये जो है ये इसकी है चौड़ाई ठीक है और ये इसकी हाइट और लेंथ भी इसे ही इस तरह से काउंट होगा ठीक है तो ये हो गई सॉलिड शेप तो इसे बोलते हैं हम क्यूब इसकी शेप क्या है क्यूब मतलब ये हर तरफ से जो है वो इक्वल है और क्यूब में स्टूडेंट्स देखिए कितनी साइड्स हैं वन टू ठीक है थ्री फोर देन फाइव सिक्स सेवन एट देन नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व सो ट्वेल्व साइड्स एंड साइड्स इन अ क्यूब ओके, सो स्टूडेंट्स क्यूब हैव सिक्स फेसेस, एट कॉर्नर एंड ट्वेल्व साइड एजेस ठीक है तो एजिस क्या है स्टूडेंट्स हमारे जो ये चीज हमें दिखाई दे रही है वन टू थ्री फोर फाइव और नीचे सिक्स ठीक है ट्वेल्व एजेस दीज कॉर्नर्स जो ये ये होती हैं साइड्स है, है ना ये मैंने अभी आपको ट्वेल्व काउंट करके दिखाए और सिक्स uh, फेसेस सिक्स so, फेसेस क्या हुए जो हमें इधर सामने दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर का पोर्शन वन इस साइड का पोर्शन टू और फिर यहां पर देखिए थ्री इस साइड का पोर्शन फाइव इस साइड से और फिर सिक्स इस साइड से ठीक है और बाकी हम दोबारा टर्न होंगे तो ये पूरा ये देखिए ऐसे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर इस साइड से पोर्शन फाइव और एक ये नीचे वाला पोर्शन सिक्स तो सिक्स फेसेस हो गए ठीक है और कॉर्नर्स कितने हो गए स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फोर अप साइड एंड अप डाउन में वन टू थ्री फोर फोर नीचे सो फोर फोर एट ठीक है सो एट कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर और वन टू और थ्री एंड फोर फोर कॉर्नर्स है ओके यू कैन सी नाउ सो क्यूब हैज एट फेसिस सॉरी क्यूब और एक नीचे जो है निचली साइड उसे सिक्स सिक्स फेसेस और एट कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर सेम फोर कॉर्नर्स एट द बॉटम साइड और नीचे की साइड भी फोर कॉर्नर इसके हैं सो हो गए एट फोर प्लस फोर इक्वल टू एट सो एट कॉर्नर्स एंड ट्वेल्व एजेस, एजेस मीन्स ये किनारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ओके स्टूडेंट्स सो ट्वेल्व एजेस हो गए मीन्स ये जो किनारे हैं ऐसे ये जो लाइन्स दिख रही है आपको इस तरह से खड़ी ये हो गए इनके एजेस ओके सो दिस दिस शेप इज क्यूब ओके सो क्यूब इन क्यूब अ क्यूब हैज सिक्स फेसेस सिक्स फेसेस वन टू थ्री फोर फाइव और वन इज इन बॉटम सिक्स फेसेस एट कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर एंड फोर इन एट द बॉटम एट एट कॉर्नर एंड ट्वेल्व एचेज ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर जो ये जो हर फेस होगा क्यूब का वो स्क्वायर में ही होगा मतलब अगर ये ऊपर से हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो ये नीचे बॉटम से भी स्क्वायर है अगर ये साइड से हमें यहां पर स्क्वायर शेप में दिख रहा है तो ये इस साइड भी स्क्वायर होगा ये अगर इधर से हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं ये इस साइड से भी हमें स्क्वायर शेप में ही दिखाई देगा ठीक है कॉल्ड क्यूब दिस इज द क्यूब ओके नाउ नेक्स्ट इज क्यूबाइट क्यूबाइट शुड बी लाइक दिस इन रेक्टेंगुलर शेप बट इट हैज ऑल्सो हाइट 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 होगी इनकी इस तरह से सॉलिड है ये ये हाइट है इस तरह से ठीक है हमने हाइट देखी इसी ऊंची है ये ठीक है और लेंथ एंड देंस विथ ठीक है लेंथ एंड विथ सो स्टूडेंट्स इन क्यूबाइट ऑल्सो सिक्स फेसिस वन टू थ्री फोर फाइव और एक नीचे से सिक्स सो क्यूबा क्यूबाइट जो है उसमें भी कितने फेसिस हो गए सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये नीचे वाला बॉटम सिक्स सो सिक्स फेसिस एट कॉर्नर्स वन Two, three, four and five, six, seven, eight. Eight corners in cubite also. And twelve edges. One, two, three, four, five, six, seven, eight. At the bottom nine, ten, eleven, twelve, twelve. Okay? सो so, ट्वेल्व ही इनके एजेस होंगे सो दिस इज कॉल्ड द सॉलिड शेप्स ओके सो दिस इज क्यूबाइड ओके इन क्यूबाइट सिक्स फेसेस सेम इन क्यूब सिक्स फेसेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन एट द बॉटम सिक्स एंड एट कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर एट द टॉप एंड एट एट द बॉटम वन टू थ्री फोर फोर कॉर्नर्स एट फोर कॉर्नर एट द टॉप एंड फोर कॉर्नर एट द बॉटम एट कॉर्नर्स एंड ट्वेल्व एजेस सेम एस क्यूब जैसे कि क्यूब में ट्वेल्व एजेस थे किनारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व एजेस इन हेयर ओके सो दिस इज क्यूबॉइट नाव स्टूडेंट्स नाव स्टूडेंट्स कॉन कॉन इज लाइक अ बर्थडे कैप सो आई डोंट हैव बर्थडे कैप बट आई हैव दिस टाइप ऑफ कैप हेयर ओके आई हैव दिस टाइप ऑफ कैप सो बर्थडे कैप सेम लाइक दिस ओके सो अ कोन हैज वन कॉर्नर यू कैन सी ये कॉर्नर समझिए इसका ये लास्ट कॉर्नर है ठीक है एंड वन कर्वड ठीक है तो कर्व क्या होगा ये जो इस तरह का ये पोर्शन है ये वन कर्वड हो गया ठीक है वन एज एज क्या है ये किनारा ये जो किनारा है इसको बोलेंगे एज वन एज होगा ठीक है एज एंड टू फेसेस वन ये आगे का फ्रंट फेज और इसके पीछे का है. तो ये टू फेसेस हो गए वन कर्व्ड एंड वन प्लेन ठीक है वन कर्वड मीन्स एक कर्व होगा इस तरह से और एक प्लेन प्लेन फेस होगा ठीक है मतलब एक राउंड इस तरह से है और एक प्लेन हमें दिखाई दे रहा है मतलब जब कैप होती है तो वो इस तरह से राउंड होती है जिसे हम पहनते हैं और अगर इस तरह से सीधी जैसे हमने खड़ी की है तो ये सीधी दिखाई दे रही है लेकिन जब हम इसे पहनेंगे तो ये जो है वो राउंड शेप में होती है ठीक है तो अकोन हैज वन कॉर्नर वन कॉर्नर ठीक है वन कर्वड एज वन कर्व्ड एज ये जो एज है इसका ये इस तरह से गोल एज होगा ठीक है इस तरह से ये एज है ना और क्या है टू फेसेस वन इज फ्रंट एंड वन इज द एट द बैक वन कर्व वन प्लेन ठीक है एक कर्व होगा ठीक है एक कर्व होगा इसका इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये ओके एंड वन प्लेन और इसका वन प्लेन जो है ये एज होगा ठीक है तो ये हो गई आपकी कोन शेप ओके सो नेक्स्ट इज सिलेंडर सिलेंडर शुड बी लाइक दिस ओके दिस इज कॉल्ड सिलेंडर और सिलेंडर हैज नो कॉर्नर अब आप इसमें देखिये इसमें कोई कॉर्नर नहीं है ये बिल्कुल राउंड शेप में है है ना तो इसका कोई कॉर्नर नहीं है बट इट हैज थ्री फेसेस वन टू एंड थ्री सिलेंडर के सिर्फ थ्री फेसेस होते हैं देखिए एक वो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है एक हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है ये ई e वाला फ्रंट है और अगर हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे तो यहां पर देखिए ये वी हो यहां पर वी ओ ये इसकी बैक साइड है तो थ्री फेसेस हो गए वन टू एंड थ्री सॉरी थ्री एट बॉटम सॉरी बैक साइड में जो होती है ये है आपकी बॉटम तो ये थ्री फेसेस हो गए वन टू और जो ये फ्रंट है वो है थ्री वन टू और एट द बॉटम थ्री सो थ्री फेसेस हैं इस सिलेंडर में ठीक है एंड वन कव एंड टू प्लेन वन कर्व मीन्स के जो है ये चीज है ये कर्व में है ये इसकी कर्व हो गई जो ये फ्रंट दिखाई दे रहा है और टू प्लेन मीन्स वन एक नीचे से प्लेन दिखेगा और एक यहां से ठीक है पीछे का प्लेन हमें नहीं दिखाई देगा आगे के जो दो दिखेंगे वो एक और ये टू प्लेन्स हो गए ठीक है और वन कर्व जो ये हमें यहां से दिखेगा आगे से ये है वन कर्वड ठीक है स्टूडेंट्स सो प्लेन से और नीचे नीचे के हैं वो टू प्लेन हो गए और वन कर्व हो गया जो ये हमें साइड से दिखाई देगा इस तरह से आगे का फ्रंट और टू प्लेन मतलब ऊपर और नीचे के जो टू प्लेन फेसेस हैं, ठीक है टू प्लेन प्लेन फेसेस मीनस ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये दो प्लेन फेसेस हो गए और वन कर्व फेस है मतलब ये जो गोलाई में हमें दिख रहा है ये कर्व फेस है कर्व आपको पता है ना थोड़ा सा ऐसे कर्व सर्कल की तरह एक मुड़ा हुआ जिसे बोलते हैं तो ये कर्व फेस है ठीक है और थ्री फेस इसके हो गए वन टू एंड थ्री ठीक है सो ये हो गया आपका सिलेंडर नाउ स्टूडेंट इट्स टाइम टू स्फेयर सो स्फेयर इज दिस अ स्फेयर हैज नो साइड्स नो कॉर्नर्स अब आप देख सकते हैं आई हैव दिस लेमन इट इज इन द शेप ऑफ स्फेयर बट इट हैज हाइट लेंथ एंड विर्थ ठीक है लेकिन इसकी हाइट भी है लेंथ भी है और विर्थ भी है ठीक है बट इसके कोई साइड नहीं है कोई कॉर्नर्स नहीं है इट हैज ओनली वन कर्व फेस इसका सिर्फ एक कर्वड फेस होगा ठीक है इस तरह से हम इसे कर्व फेस बोल सकते हैं सिर्फ एक कर्व फेस होगा ठीक है सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड शेप्स फर्स्ट इज क्यूब 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 हैव क्यूब हैज सिक्स फेसेज एट कॉर्नर एंड ट्वेल्व एजेस ईच फेस ऑफ अ क्यूब ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अक्वायेर ठीक है इसका हर फेस जो होगा वो एक स्क्वायर शेप में ही होगा तो यह हो गया आपका क्यूब देन क्यूबाइड क्यूबाइड हैज सिक्स फेसेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन एट द बॉटम सिक्स सिक्स फेसेस एट कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर एट एट द टॉप एंड एट एट सॉरी फोर एट द टॉप एंड फोर एट द बॉटम सो एट कॉर्नर्स एंड ट्वेल्व वेजेस ये किनारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ट्वेल्व है क्यूब में भी ट्वेल्व होते हैं और क्यूबाइड में भी ट्वेल्व होंगे ओके नाउ इट्स टर्न कोन कौन हैज वन कॉर्नर मतलब जहां पर यह आपस में मिल रहा है ऊपर टॉप में तो ये हो गया आपका कौन ठीक है ये वन कॉर्नर हो गया वन कर्व्ड एज ठीक है वन कर्वड एज ये जो होता है ये कर्व एज है ठीक है इसे एक एज बोलते हैं ये वन कर्वड एज हो गया ठीक है कर्वड एज ये हो गया आपका नीचे कर्वड एज और वन कर्व्ड फेस ये जो फेस है ये वन वन फेस है ना कर्व्ड है मतलब ये ये भी कोई सीधा नहीं है ये कर्व में है ठीक है वन कर्व और टू फेसेस वन एट द फ्रंट एंड वन वन एट द बैक सो टू फेसेस वन कर्व्ड एंड वन प्लेन टू फेसेस हैं तो एक जो है वो कर्व्ड होगा और एक जो है वो प्लेन होगा ठीक है इस तरह से ये आपका हो गया कोन अब है स्टूडेंट सिलेंडर सो सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स एंड सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स बट इट हैज थ्री फेसेस वन टू एंड वन एट द बॉटम थ्री थ्री फेसेस सो वन इज कर्व्ड ये जो ये ये वाला फेस है ये कर्व फेस है और टू फेसेस जो हैं वो प्लेन हैं तो जो ऊपर वाला है वो और जो नीचे बॉटम वाला है ये ये प्लेन फेसेस हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो सिलेंडर में क्या हो गया आपके पास और सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स इट हैज थ्री फेसेस वन टू थ्री टू प्लेन फेसेस एट द टॉप एंड एट द बॉटम एंड वन इज कर्व फेस ओके देन इज स्फेयर फेयर हैज नो साइड्स नो कॉर्नर सफेयर का कोई साइड नहीं है कोई कॉर्नर नहीं है इट हैज ओनली वन कर्व फेस तो इसका जो है एक वन कर्व फेस होगा इस तरह से राउंड फेस है सिर्फ एक ही फेस होगा इसका ठीक है स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपकी सॉलिड शेप्स हैं क्यूब क्यूबाइट सिलेंडर स्फेयर एंड कोन ओके सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम टू शो यू योर वर्कशीट ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉलिड शेप्स सो लेट्स सी वॉट इज देयर इन योर वर्कशीट okay students as you can see here this is which shape is this which sh solid shape is this yes very good cube c u b e cube so students you can write here that cube a cube cube has a cube has Six faces, six faces, comma. A cube has six faces, comma, eight corners, C O R N E R S, six corners and twelve edges. E D G E S edges, okay. And each face of a cube is square. E A C H each face of a cube is a square. S Q U A R E square. A cube has 6 faces, 8 corners, and 12 edges. Each face of a cube is a square. Okay. So, next is, next shape is cuboid. Cuboid. Which shape is this? Cuboid. C, U, B, O, I, T. Cuboid. So, same as cube, cubite has cuboid has six faces, eight corners, and twelve edges. Okay, each face of a cubite is a rectangle. Each face of a cuboid, each face of a cuboid is a, is a rectangle. Is a rectangle cuboid. Okay. Next is cylinder C Y L I N D E R C Y L I N D E R cylinder. So a this shape is cylinder. A Cylinder has no corner, no corner, corners. It has three faces, three faces like this one face, two face, and three face. और इन थ्री फेसेस वन कर्वड फेस वन कर्व्ड फेस एंड टू प्लेन फेसेस टू प्लेन ठीक है टू प्लेन फेसेस मतलब एक कर्व फेस होगा ये देखिए इसे कर्व बोलते हैं ये कर्व फेस है इसे इसी तरह से और टू प्लेन मतलब ये ऊपर से प्लेन है ठीक है or next is sphere s p h e r e sphere so a sphere has has no corner no sides no corner no corners it has इट हैज ओनली वन कर्फ कर्फ फेस ठीक है इसका सिर्फ एक कर्फ फेस होगा ओके दिस इज राइट सो नेक्स्ट इज कोन नेक्स्ट वन इज कोन दिस शेप इज कोन सो अ कोन हैज वन कॉर्नर a cone has one corner comma one curved curved edge one curved edge and, and two faces two faces one curved

So do this worksheet in your notebook, okay? And learn these things, okay? What have cubes? What are cubes? And how many sides, faces, and edges in a cube? And in a cuboid? Or how many curved and uh, corners in, in a cylinder, sphere? Is there uh, edges or corners in spheres or cone or not? Okay? So I hope you now you are able to understand the shapes. What are the plane shapes and what are the solid shapes? Okay, till then, stay home, stay safe. Thank you, and have a nice day.